एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के कंटेस्टेंट विनीत सिंह के लिए अब नेहा कक्कर ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या किया है नेहा ने विनीत के लिए, सुनकर हो जाएंगे आप भी हैरान। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 में कंटेस्टेंट बनकर आए हैं जाने माने सिंगर विनीत सिंह, और ऐसे में आकर विनीत ने अपनी जिंदगी के दर्द को भी बताया। विनीत ने बताया कि किस तरह से उनकी लाइफ बदल चुकी है। विनीत एक तरह से देखा जाए तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, अपना घर तक बेच चुके हैं और अब वो इंडियन आइडल के मंच पर अपनी पहचान को दोबारा बनाने के लिए आए हैं। विनीत ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स को ठुकराया, उनको छोटा समझकर उनको वैल्यू नहीं दी, जिस वजह से विनीत के हाथ से छोटे ऑफर तो चले गए और बड़े ऑफर्स उनको मिले नहीं, और यही वजह रही कि विनीत सड़कों पर आ गए। पर अब अपने दोस्त की इस हालत को देखकर नेहा कक्कड़ अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। नेहा कक्कड़ बहुत ही दरिया दिल हैं और किसी के दर्द को वो इस तरह से नहीं देख सकती, वो भी अपने दोस्त के दर्द को। और यही वजह है कि नेहा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ ने विनीत के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट का चेक साइन करा है। नेहा ने सबसे पहले तो विनीत को मुंबई में रहने के लिए घर दिया है। फिलहाल विनीत किराए के मकान पर रहते हैं, लेकिन नेहा ने अपने एक घर की चाबी, जो कि मुंबई में ही है, आउटस्कर्ट्स पर है, दे दी है विनीत को, जिससे विनीत के सर पर छत तो हो। और उसके साथ साथ नेहा ने अच्छा खासा अमाउंट भी विनीत के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। खबरों की माने तो नेहा ने 12 लाख रुपए विनीत को दिए हैं कि वो मुंबई में आराम से अपना गुजारा कर सके। जब तक इंडियन आइडल वो नहीं जीतता तब तक वो मुंबई में रहकर नेहा के दिए पैसों का इस्तेमाल करे। वेल, दोस्तों, नेहा ने तो सच में दरियादिली दिखा दी। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।